15 साल पहले का बना हुआ शेड, मॉडर्न, जदीद, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वीडियो को कंप्लीट देखें, मुकम्मल मालूमात। एक सौ बीस फुट लंबा है और 30 फुट इधर है। जी जी, 30 फुट इधर है, 10 फुट चौड़ा है। ये गैलरी 10 फुट की है। टोटल ये टोटल शेड कितना है? टोटल मुकम्मल 120। ये तो हो गया, ये शेड शेड है। शेड के बाहर जो जगह पड़ी हुई है वो कितनी? 45 फुट उधर है, 45 फुट। तकरीबन 1 एकड़ के नज़दीक हो जाएगा। एकड़ से कम नहीं है, 6 कनाल पर मुश्तमल तो होगा। तो रहमान रहीम बिजनेस ट्रांसफिशन में एजेज खां की जन्म से सब भाइयों बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो आज मैं सबसे पहले आपको फ्रीजन काउ फार्मिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन तो अलग होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज शेड के बारे में मालूमात दूँगा। ये आप शेड देख सकते हैं कैसा माहौल है, तो इसके बारे में आज बात होगी। इस टॉप पर आज की वीडियो बनेगी। तो शेड का सबसे पहले ये सिल्की वाला और लोहे वाला शेड है, पाइप लोहे वाले। ये आज से 15 साल पहले का ये शेड बना हुआ है और सिल्की का दौर था। तो सिल्की के दौर से पहले ही आपको माहौल देखें, ये जानवर का ये पानी के फुहारे जैसे पड़ रहे हैं जानवर के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें फुहारे कैसे गिर रहे हैं। और ये शेड देखें माशाल्लाह, कम से कम तो लंबाई मैं आपको बताता हूँ 120 फुट लंबा, 70 फुट चौड़ा है। तो शेड के बारे में, शेड के बारे में मालूमात लेता हूँ भाई के पास क्या है तरीक़ाकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर सबसे पहले अपनी लोकेशन ये बता दें। ये है लोकेशन बुंगा हयात। तो सर बुंगा हयात का ये शेड जो बना हुआ तकरीबन कितना अर्से से पहले का बना होगा? 15 साल। 15 साल हो चुके हैं। तो ये 15 साल पहले ये फुहारे लगे हैं? ये आपके 15 साल पहले। 15 साल पहले की ये लगी हुई है। ये शेड की लंबाई और चढ़ाई हमें बता सकते हैं सर? ये जो शेड है ना, ये लंबा 120 फुट है। 120 फुट लंबा है और 30 फुट इधर है। जी जी, 30 फुट इधर है, 10 फुट चौड़ा है। गैलरी छोड़ी, ये गैलरी 10 फुट की है। टोटल ये टोटल शेड कितना है? टोटल मुकम्मल 120। ये तो हो गया, ये शेड शेड है। शेड के बाहर जो जगह पड़ी हुई है वो कितनी? 45 फुट उधर है, 45 फुट। तकरीबन 1 एकड़ के नज़दीक हो जाएगा। एकड़ से कम नहीं है, 6 कनाल पर मुश्तमल तो होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपका अंदाज़ा है 15 साल पहले की? उस वक्त तो लोहे का रेट भी बहुत कम था। जी जी, अब तो काफ़ी हो गया। उस टाइम तकरीबन 50 रुपये किलो लोहा था। जी जी, तो अब तो तकरीबन 100-120 रुपये किलो है। जी, तो अब तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने में बनेगा। उस टाइम तकरीबन ये 7 लाख में शेड पे आऊँगा उस वक्त। लेकिन आप तो यूँ समझ लें कि आप 20-21 लाख में, आप तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। हाँ, तो पंखे लगवाने का क्या फ़ायदा ये हम शेयर कर सकते हैं? ये पंखे इसलिए है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो हवस हो जाती है। जी, जी। और फिर ये पंखे चला देते हैं, ये टैम्बर पर लगे हुए हैं फुहारे और ये पंखे। अच्छा, ये टैम्बर है? हाँ, ये टैम्बर है। और फिर इसको ना चला दिया जाए तो सारे हवादार माहौल हो जाता है हर किस्म का। तो हवादार और साथ साथ ये फुहारे जो पानी के कतरे गिर रहे हैं, हाँ जी, तो ठंडी हवा की शक्ल में ये जो पानी गिर रहा है ना, साथ में पंखे चल रहे हैं। जी जी, तो ये टेम्परेचर नीचे आ जाता है और बड़ा जानवर इसे ईजी फील करते हैं। जी, क्योंकि टेम्परेचर नीचे आने की वजह से ये असल में फ्रीजियन क्रास गाय हैं, इसको गर्मियों में ज़्यादा फिर मसला होता है। तो ये गर्मियों में चलाते हैं 2-3 महीने। अच्छा, बाकी फिर कोई मसला नहीं होता किसी किस्म का। अच्छा अच्छा, ये टोटल कितनी आपके पास गायें पड़ी खड़ी हुई? ये 100 जानवर है जी तकरीबन, ये बड़ी गायें हैं जो 100, और उसमें दूध खड़ी हैं। ये प्रेग्नेंट गायें हैं जो इधर खड़ी हुई हैं। जी जी, और ये दूध देने वाली गायें इधर। ये आपका प्रॉपर तो एंट्री होगा। अच्छा, ये हमें बाकी ये पाइप कितना फुट चौड़ा होगा तकरीबन, मोटा कितना है? ये पैप है जी 4 इंच का। 4 इंच का, 4 इंच के साथ ये एंगल लगाए हुए हैं। ये मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहूँ। इसकी हाइट जो है वो है 20 फुट बीस फुट और नीचे वाले की 18 होगी और उससे नीचे वाले की 16 होगी।
अच्छा, यानी कि ये हवा की क्रॉसिंग की वजह से ये सत्संग बनाया हुआ आपने? अच्छा, स्टेप बनाए जाते हैं। जो हवा जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से घुलती है। आप यहाँ खड़े हैं और आपको महसूस हो रहा है कि हवा, जी जी हवा तो बहुत तेज चारों तरफ लग रही है। तो मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं, पहला स्टेप 16 फुट का, उसके बाद 17 फुट का, उसके बाद 18 का, उसके बाद ये ऊपर 20 फुट का, ये वाला ऊपर वाला 20 फुट का है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल बनाया हुआ है। इस तरह का अगर बछड़ों का ही फार्म बनाया जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और प्रॉपर तौर पर उन्होंने ये उधर एक और डिज़ाइन भी बनाया हुआ है, वो किस लिए पता नहीं, ये पूछेंगे भाई से। वो मिल्किंग है, मिल्किंग। अच्छा, मिल्किंग। अच्छा अच्छा, मिल्किंग की जाती है, दूध दोया जाता है, मशीनें लगी हुई हैं। जी जी, वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, ये सभी चीज़ें दिखाएंगे दूसरे एंट्रियो में। तो ये शेड के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अच्छा, ये पानी के फुहारे जो गिर रहे हैं, ये पानी किधर चला जाता है फिर? ये पानी ना, ये खाली बनाई हुई है। अच्छा अच्छा, सारा इसमें आ जाता है और इससे बाहर निकल जाता है। अच्छा, इस पानी, ये स्लोप रखी हुई है ना, सारा पानी ये तकरीबन 1.5 फुट की स्लोप रखी हुई है, ये पानी सभी इधर आ जाता है, सारा पानी इधर दरमियान। अच्छा, ये आप देख सकते पानी इधर ही आ रहा है। तो ये तरीका माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, इस तरह का माहौल हो तो नज़ारे नज़ारे सभी कुछ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगे। ये शेड की मैंने इन्फॉर्मेशन, बाकी व्यूज़ मैं दिखाता हूँ। ये खर्चा भी पूछ लिया है, लेकिन इस तरह का ये मैं व्यूज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कैसा माहौल। मैं अब आपको दूसरी साइड पर दिखाऊँ, दोनों साइडों आपको चेक कराऊँगा ताकि आपका दिल मुतमिन हो जाए। ये पैपों का खर्चा, ये सब कुछ खर्चा मैंने पूछ लिया। ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह कैसा माहौल। ये टोटल इधर जगह खुली छुड़ी हुई है 45 फुट की, ये माशाल्लाह इसी तरह दूसरी तरफ उन्होंने छुड़ी हुई है। मेहनत करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।